शिवसेना विधायक की पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अकोला से शिवसेना विधायक है नितिन देशमुख, उनके लापता होने की जो शिकायत है वो उनकी पत्नी ने पुलिस में दर्ज करवाई है। तो नितिन देशमुख की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है और ये लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो शिकायत पत्र हम आपको दिखा रहे हैं जो कि शिवसेना विधायक की पत्नी ने दर्ज करवाया है। नितिन देशमुख की पत्नी बताई जा रहे हैं जिनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई गई है और वो चिट्ठी वो शिकायत पत्र भी टाइम्स ऑफ नवभारत आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ये शिकायत जो है वो नितिन देशमुख की पत्नी की ओर से दर्ज करवाई गई है। एक विधायक है शिवसेना के और कई विधायक देखिए हम आपको बता रहे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं इस वक्त सूरत में। और अकोला के शिवसेना विधायक हैं नितिन देशमुख, उनके लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने पुलिस में मिसिंग की शिकायत दर्ज कराई है और ये वो मिसिंग कंप्लेन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें ये सारी बातें जो है उनका जिक्र किया गया है कि वो कब से मिसिंग है। संदीप हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, यहाँ पर जो अकोला से शिवसेना के विधायक है उनकी पत्नी ने मिसिंग उनके लापता होने की शिकायत दर्ज करा दी है। जी निश्चित रूप से, जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब हुई थी जिसके बाद जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसी के बाद जो है अब उनकी पत्नी ने एक शिकायत दर्ज की है, नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये शिकायत शिवसेना के किसी शीर्ष नेतृत्व के इन्फ्लुएंस के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या किसी के कहने पर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक मूव भी हो सकता है शिवसेना की तरफ से, कहीं ना कहीं अपने विधायकों को वापस बुलाने का एक तरीका भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी कि अब चूंकि शिकायत दर्ज करा दी गई है तो क्या महाराष्ट्र से पुलिस को भेजा जाएगा, क्या पुलिस बल गुजरात पहुंच करके नितिन देशमुख को लेके आने का प्रयास करेगी, तमाम हलचल है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त में रॉयल स्टोन जो बंगला है, जो बाला साहब थोरात का बंगला है, वहां पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जो है वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने अभी अभी जो है बाला साहब थोरात से मुलाकात की और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल करके आता है, क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं क्या उनमें असुरक्षितता है, कितने लोग जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है या नहीं है, कितने विधायक कांग्रेस पार्टी में जो है वो बीजेपी के संपर्क में, तो इन तमाम बिंदुओं पे जो है वो चर्चा होगी। और कल जो है कमलनाथ मुंबई पहुंचेंगे, तमाम महाराष्ट्र में उथल पुथल के बीच कमलनाथ जो है वो तमाम विधायकों से बात भी करेंगे। और संदीप देखिए लगातार हमारे साथ बने हो। संदीप देखिए, जिस तरह से आप खुद बता रहे हैं कमलनाथ भी कल मुंबई पहुंच रहे हैं, आप ही ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश में भी तो कोशिशें उस दौरान तमाम की गई थी कि कांग्रेस की सरकार को बचाया जा सके। जब वहां पर स्थिति नियंत्रण से इस तरह बाहर हो गई थी, सरकार से बाहर हो गए, तो मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार बचाने में कितनी ज्यादा कवायद जो है वो यहाँ पर मददगार साबित हो पाएगी, सवाल तो ये भी है। मना कांग्रेस पार्टी के लिए यही है कि उस व्यक्ति को भेजा जा रहा है, उस पूर्व मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है जिस जो अपने ही सरकार को बचा नहीं पाए। इसके विपरीत जो है अशोक गहलोत को भी भेजा जा सकता था, लेकिन कमलनाथ को जो है वो चुना गया है। और ये बताया जाता है कि सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के बहुत करीबी है और जो है कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता है, तो कहीं ना कहीं इनका भी अनुभव जो है वो काम आ सकता है महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही रह चुकी है कि सरकार में रहना नहीं रहना वो अलग किस्सा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी की जो दुविधा है वो कांग्रेस पार्टी के नेता खुद कांग्रेस में नहीं रहते और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या किसी अन्य दल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक जो अभी मौजूदा स्थिति में हैं वो सरकार में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में रहे, तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कांग्रेस पार्टी के लिए। ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। तो नितिन देशमुख की पत्नी ने देखिए शिकायत दर्ज करवाई है, वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो उनसे संपर्क नहीं कर पा रही जिस वजह से उन्होंने ये शिकायत उन्हें दर्ज करवानी पड़ी कि उन्हें उनके पत्नी से पति से संपर्क। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उठापटक के बीच शिवसेना ने बहुत बड़ा दावा किया है। उद्धव ठाकरे की मीटिंग में 32 से 35 विधायक पहुंचे हैं, ये बड़ा दावा शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री उद्धव के घर पहुंचे हैं और बड़ी हलचल यहां पर उठापटक के बीच, शिवसेना ये बहुत बड़ा दावा कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त
की आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने देखिए बैठक बुलाई है विधायकों की, वर्षा बंगले पर यह बैठक है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी पहुंचे हैं और हमारे सहयोगी संदीप लगातार बने हुए। संदीप, ये दावा किया जा रहा है, बाकायदा लिस्ट आ गई है कि 35 तक विधायक, 32 से 35 विधायक पहुंच चुके हैं इस बैठक में। कितने नाम है, क्या है आंकड़ा? जी देखिए, अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के वर्षा निवास स्थान की बात करें और उस बैठकों की बात करें तो जो भी नंबर्स दिए जा रहे हैं वो करीब करीब 50% हैं। शिवसेना के कुल 54 से 56 विधायक हैं महाराष्ट्र में, और यदि ऐसे स्थिति में शिवसेना केवल 32 से 35 विधायक ही इकट्ठा कर पाती है तो भी वो आधा है उसका जो उसके एक्चुअल विधायक है। तो कहीं ना कहीं जितने जो डेफिसिट है वो डेफिसिट सूरत में बैठा हुआ है एकनाथ शिंदे के साथ ले मेरिडियन होटल में। तो उपलब्धि ये होगी कि ले मेरिडियन होटल से क्या एकनाथ शिंदे समेत वो तमाम विधायक वर्षा निवास स्थान पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, और अगर वो पहुंचते भी हैं तो क्या वो शिवसेना के ही पाले में आएंगे या वो बीजेपी के पाले में जाएंगे। उसके अलावा जो है बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं वो गुजरात पहुंचने की बात कही जा रही है, 105-106 ऐसे विधायक हैं जो गुजरात जाएंगे। तो सबसे पहले दोनों ही तरफ से जो है वो ठीक है। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो बता दें पिछले 4 दिनों से एकनाथ शिंदे के स्टाफ छुट्टी पर है और साथ ही थाने के घर के सभी स्टाफ छुट्टी पर हैं। तो देखिए कितना कॉन्फिडेंशियल तरीके से ये सब कुछ प्लान किया गया था पहले से। तो अपने स्टाफ को पहले ही छुट्टी दे दी गई थी एकनाथ शिंदे की ओर से। शिवसेना से फिलहाल शिंदे का, एकनाथ शिंदे का संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। ये एक अपडेट मुंबई से महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आप तक लगातार पहुंचाते